नए विषय पर या एक नए अंदाज में लिखने की मैंने कोशिश की। पहली बार लिखा तो दोहे मैंने लिखने की कोशिश की है। कबीरदास जी ने अपने जो दोहे लिखे थे वो अपने युग और अपने समय के अनुसार थे, लेकिन मुझे लगा कि आज के वर्तमान समय में उनमें कुछ संशोधन होना चाहिए, वो मैंने करने की कोशिश की है। उनसे पूरी क्षमा याचना के साथ, आपके आनंद के लिए है केवल। देखिए वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला हर को, जो दिल को जापना मुझसा भला न कोई, अकेला मुझसे भला न कोई। काल भरे सो आज भर, आज भरे सो कुर्सी चली जाएगी तो घर भरेगा सब अकेला, घर भरेगा का। दूसरा कुछ और कहता है, खुद की तरफ देखने की कोई कोशिश नहीं करता हम कितने पानी में। फिर तो कहिए आपके नेता तो सब चोर है पर हम हैं साहूकार, मौके की सब ताक में बैठे हैं तैयार, अकेला बैठे हैं तैयार। कुर्सी छोड़ी लाल ने, खटिया हुई उलाल, कुर्सी छोड़ी लाल ने, खटिया हुई उलाल, लाल की हालत देख कर मम्मी कि चलती चाकी देख कर करे अकेला शोर, चलती चाकी देख कर करे अकेला शोर, चोर चोर चिल्लाए थे वो खुद ही हो गए चोर, खुद ही हो गए चोर। और एक दो और सुना कि निंदक नियर न राखिए, निंदक नियर न राखिए, देंगे युतिया डुबार, चमचों की रखो भीड़ तो बुझा की देंगे जमा, की देंगे जमा। धन्यवाद। और अंत में एक रचना सुनाकर अपनी बात पूरी करने की करना चाहूँगा। देखिए हालात कैसे भी हों, कितने भी खराब हों, संकट का कैसा भी दौर हो गुजर जाता है और साहस रखने वाले हर मुसीबत से पार पा जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसी भावना का एक गीत आपके सामने कुछ कम किया जाएगा। देखिए कोई काम नहीं मुश्किल, कोशिश तो करिए जी, कोई काम नहीं मुश्किल, कोशिश तो करिए जी, मिल जाएगी मंजिल, कोशिश तो करिए जी। माना कि मौसम पतझड़ का है, सारी परिस्थितियां भले विपरीत हो, माना कि मौसम पतझड़ का है, गुल फिर भी जाएंगे खिल, कोशिश तो करिए जी, गुल फिर भी जाएंगे खिल, कोशिश तो करिए जी। और कैसे होते हैं कोशिश करने वाले लोग, कि नाकाम रहे फिर भी कभी हार न मानी है। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो कोई प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, तो बोले ये काम तो हमसे होगा ही नहीं। एक वो लोग होते हैं जिनको जरा असफलता मिल जाती है तो वो जिद पे आ जाते हैं, अब तो कुछ भी हो जाए मेरी इज्जत का सवाल है, एक बार तो सफल होकर ही दिखाऊंगा। मैं ऐसे जुनूनबाज लोगों को सलाम करता हूँ कि नाकाम रहे फिर भी कभी हार न मानी है, नाकाम रहे फिर भी कभी हार न मानी है, सागर की लहरों को गिनने की ठानी है। काम भले असंभव हो अगर एक बार हाथ में ले लिया तो फिर हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, जी जान से उसमें लग जाते हैं। कि नाकाम रहे फिर भी कभी हार न मानी है, सागर की लहरों को गिनने की ठानी है, छू के रहेंगे हम आसमान को, दुनिया को दिखा देंगे हम हिंदुस्तानी हैं, दुनिया को दिखा देंगे हम हिंदुस्तानी हैं, नाकाम रहे फिर भी कभी हार न मानी है। और हमारा ये पुरुषार्थ, हमारा ये पौरुष, हमारी ये साहस ताकत आज से नहीं है, युगों से, सदियों युगों पहले से, हमने युगों पहले वो काम कर दिया जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती है, ऐसे काम हमने बचपन में ही कर दिया, खेल खेल में कर दिया। कुछ उदाहरण देता हूँ, बात सही लगे तो अपने आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाएं। कि हम सिंह के दांतों को गिन लेते हैं बचपन में, महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। कि हम सिंह के दांतों को गिन लेते हैं बचपन में, और मछले तो सूरज भी निगल लेते हैं बचपन में, हम सर पटखन पर करते हैं नर्तन, उंगली पर गोवर्धन उठा लेते हैं बचपन में, उंगली पर गोवर्धन उठा लेते हैं बचपन में। आज हमारा भाई और भाई प्रसाद कायम है, आज भाई पांच पनी में आज भी है, और इसीलिए आज भी अगर हिंदुस्तान का बहादुर रण में जाता है तो दुश्मन को ऐसा लगता है तो सामने साक्षात ज्वाला आगे खड़ी हो गई है, मौत आके खड़ी हुई है। कि रणभूमि में दुश्मन को ज्वाला लगते हैं, और मर मिटने के अंदा भी आला लगते हैं। दुश्मन को साक्षात मौत सामने खड़ी दिखती है, लेकिन अगर मौत हिंदुस्तानी जवान के सामने भी एकदम आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है, मौत से भी खिलवाड़ करता है, उसको भी हंसी हंसी में झेलने की क्षमता रखता है भारतीय जवान। देखें आप, कि रणभूमि में दुश्मन को ज्वाला लगते हैं, और मर मिटने के अंधा भी आला लगते हैं, देश प्रेम के इन दीवानों को फांसी के फंदे भी वरमाला लगते हैं। ये दुनिया, हम सिर्फ युद्ध की बात नहीं करते हैं, शांति प्रेम सद्भाव हमारा मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा ध्येय वाक्य है, इसलिए पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। ये दुनिया ही नहीं होती जो प्रेम नहीं होता, ये दुनिया ही नहीं होती जो प्रेम नहीं होता, और हो स्वार्थ भरा जिसमें वो प्रेम नहीं होता, प्रेम के तो रूप कई पर, प्रेम कई प्रकार होता है, माँ का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, मित्र का प्यार, लेकिन प्यार पहली बात तो ये जिसमें स्वार्थ नहीं होता वही प्यार होता है, प्यार के कई प्रकार भी होते हैं। देखिए बात कहने का अंतिम पंक्ति कह रहा हूँ, अंतिम बात, ये दुनिया नहीं होती जो प्रेम नहीं होता, और वो स्वार्थ भरा जिसमें वो प्रेम नहीं होता, प्रेम के तो हैं रूप कई पर, देश प्रेम से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं होता, देश प्रेम से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं होता, जो प्रेम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।